तो भाई फिर से खेलने जा रहे हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है रॉप हीरो वाइज टाउन। तो भाई इसको प्ले करते ही थोड़ा लोडिंग लेता है, उसके बाद से ये गन दिखा रहा है G4 रेन ऑफ फायर, बट ये कौन सा गन है? खैर छोड़ो, हमारे सामने हमारा करेक्टर जो कि भाई पैसे से तो एक बॉडी बिल्डर लग रहा है, बट ये तो गिर गया। ओ भाई क्या कर रहा है यार भगवान। तो भाई इसमें मिलता है हमको एक मिशन जिसको हमको कंप्लीट करना होता है। तो भाई हम चल रहे हैं उस आदमी के पास जो कि भाई हमको एक मिशन देगा, बट यहाँ पर जैसे ही जाता हूँ तभी देखता हूँ भाई ये आदमी तो मतलब सीटी मारते हुए जा रहा है। मतलब भाई इसमें जितने भी करेक्टर हैं भाई सबके पास अपना अपना हुनर है। इसमें कोई सीटी मार रहा है तो कोई फोन से बात कर रहा है, और तो और भाई इसमें कोई तो कोई सिगरेट भी पी रहे हैं सब। लेकिन भाई हमको तो इनमें से कुछ नहीं करना है, बस हमको पैसे कमाना है। लेकिन भाई हमको पैसे तभी मिलेंगे जब भाई हम अपना मिशन कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली इसके पास आ चुके हैं और ये फोन कर भाई कुछ तो बोल रहा है। ओ, हमारे लिए ये मिशन मांग रहा है, बट हमारा मिशन क्या है? ड्रग डीलर्स हैव अपीयर्ड एट द फार्म पॉइंट एंड और क्या करना है भाई, एंड टेक माई कार ड्राइव टू द पॉइंट एंड चेक इट। तो भाई इसकी कार लेकर जाना है इसके फार्म पे और वहाँ पे चेक करना है। तो भाई चलो फिर चलते हैं इसकी कार लेने जो कि इसके घर के पीछे है। तो फाइनली हमको दिख रही है ये रेड कलर की कार। लेकिन भाई सोच रहा हूँ इस लड़की को भी ले लूँ, और भाई ये देख रहे हो मतलब भाई ये जाने के लिए रेडी है क्या? बट ये ज़्यादा भाव खा रही है, छोड़ो इसको भाई जाने दो, हम चलते हैं अकेले। बट भाई अकेले ही ठीक रहेगा क्योंकि गाइस हमको मिशन कंप्लीट करना है, ना कि भाई कोई टूर पे जा रहे हैं। बट यहाँ पर जैसे ही गन फायर करा, देख रहे हो मतलब गाइस ये दोनों के दोनों भग गए। भाई इनको लगा मैं किडनैपर हूँ, और ये देखो गार्ड, मतलब भाई ये पुलिस वाला, गार्ड नहीं पुलिस वाला है, और मुझे मारने के लिए भाई ये भाई फायर कर रहा है। बट भाई इसको छोड़ो, हमको इससे फाइट नहीं लेना, अभी अपना मिशन कंप्लीट करना है। तो फिर हमको दिख रहा है मैप, और भाई इस मैप में हमको दिख रहा है ये एरो जिसको हमको फॉलो कर जाना है आगे की साइड। लेकिन भाई ये पुलिस वाला तो मेरे पीछे ही लग जाते हैं, बट हमको रुकना थोड़ी है भाई, बढ़ते रहना और इस एरो को फॉलो करना है। बट ओ भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा और आगे चलते हैं और यहाँ से लेंगे राइट, और ये पेड़ में ही लड़ गए, थोड़ा बैक करते हैं भाई, बैक कर फिर से चलेंगे। तो भाई फाइनली सामने दिख रहा है हमारा टारगेट, और वहाँ पर अपनी कार को पार्क करना है। तो भाई जैसे अपनी कार को लाते हैं तभी देखो लीव द कार एट द पॉइंट, तो भाई यहाँ पर हमको इसको छोड़ना है। तो भाई जैसे हम अपनी कार से उतरते हैं तभी यहाँ पर हमको मिलता है एक चेतावनी जिसमें लिखा होता है रीच द नेक्स्ट पॉइंट बी केयरफुली दे कुड बी आर्म्ड। ओ भाई उनके पास हथियार भी हो सकता है, तो भाई हमको यहाँ पर थोड़ा सावधानी से रहना होगा। तो भाई हमारे ठीक पीछे होता है एक लोकेशन, मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर हमको जाने पर ये क्या है, इनहेट देम एंड टेक देयर ड्रॉप हिडन इन लैपटॉप, मतलब भाई उनको फिनिश करके जो भी लैपटॉप में डोप है भाई उसको लेना है। तो फिर चलो इनको फिनिश करते हैं, बट यहाँ पर टोटल दो, और ये क्या भाई देखते ही मुझे मारने लगे, बट मैंने एक को फिनिश करा और दूसरा भी, और यहाँ पर ये क्या भाई लैपटॉप और पैसा हमने दोनों को ले लिया, और ये क्या नाउ कम बैक फास्ट। वो भाई हमको जल्दी से जाना होगा, तो ठीक है भाई चलते हैं अपनी कार लेकर, और फास्ट बुला रहा है मतलब कुछ काम है क्या, या फिर इस लैपटॉप में ही सिगरेट है, तभी तो उसने मुझे भाई खासकर अपॉइंट किया, मतलब भाई मिशन दिया इसको लाने के लिए। तो फिर इसको हमने लिया, और लेते ही भाई मुझे लगता है आगे पुलिस वाले हैं, ऐसा मेरे मैप में दिख रहा है। बट वो भाई ये तो इधर ही घूम रहे हैं, मतलब भाई कुछ तो खास है इस लैपटॉप में, और ये तो यहाँ पर भी आ चुके हैं, बट यहाँ संभगते हैं किसी तरह। लेकिन भाई यहाँ तो वही हो जाता है जो हम नहीं चाहते, भाई इन्होंने तो मेरा पीछा ही करना शुरू कर दिया। बट भाई मेरा कार देख रहा हूँ मतलब कितना फास्ट चला रहा हूँ भाई, ये सीधा कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन भाई ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस हमको थोड़ा 200 मीटर ही जाना है। तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर, और मेरी कार का स्पीड देख रहे हो मतलब भाई कितना स्टंट मार रहा है। तो भाई फाइनली हमारा टारगेट हमारे सामने है, भाई उसको लैपटॉप लेकर पैसा लेकर भाई वहाँ से कुछ चक्कर लो जाएंगे। बट ये पुलिस वाला सामने से घिर रहा है, और देख रहे हो मतलब भाई लेट के गन मार रहा है, बट ये आ चुके हैं। यहाँ से उतरता हूँ भाई और चलता हूँ इसको देकर, यहाँ से तुरंत भागेंगे या फिर इनसे फाइट करेंगे। बट ये भाई ये क्यों डर रहा है, मतलब देख रहे हो वो पब्लिक, और यहाँ पे गुड जॉब हेयर्स योर रिवॉर्ड। ओ भाई कहाँ पे मेरा रिवॉर्ड है, और भाई मुझको मिला टोटल 10,000 रुपए इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो भाई फाइनली यहाँ पर इनसे मेरी फाइट हो जाती है, बट ये बार बार खड़ा हो रहा है। वो भाई फिर से मारा, भाई इसको लूटना होगा तभी जाके ये फिनिश होगा मतलब। और ये भाई मतलब भाई जिसने मुझे मिशन दिया था भाई उसको तो कुछ कर नहीं रहे, भाई ये मेरे ही पीछे पड़ गए। बट मुझे लगता है भाई यहाँ से भगना चाहिए मुझे, तो भाई पहले हमको यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो भाई मार मार के ये मेरा हेल्थ ही घटा देंगे। तो सोच रहा हूँ भाई किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाऊँ, तो सामने दिख रहा है भाई उसी पे चलते हैं। और ये हमने ताना भाई स्पाइडरमैन का, ये क्या भाई ये तो जा रहा है, बट देख रहे हो इसका स्टाइल, और यहाँ पर आकर चिपक चुके हैं। बट यहाँ से नीचे चलते हैं और देखते हैं भाई क्या होता है। बट यहाँ पर दर्द ही हमको देखने को मिलता है, ये क्या है, ये कैसे जा रहा है भाई, ये कुछ ये कौन सा ट्रक है। तो भाई इसको जैसे ही अपने पैरों से मारते हैं तभी देखो, ओ भाई अपने पैरों से मारने पर मतलब ये इतना दो जा रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं। आराम से यार, ये तो दाबी दिया मुझे यहाँ पे। बट ये पुलिस वाले भी आ चुके हैं, तो भाई इनसे हमको फाइट लेनी होगी। और ये मारा भाई इनको एक लात, मतलब इनकी कार को,
और देखो ओह भाई, मतलब इतना तो मार ही सकते हैं, इतना पावर है हमारे पैरों में। भाई ये पुलिस वाले तो मुझे मारे ही जा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं। जैसे मैं इन पर गन तानता हूँ तभी देखो क्या होता है। भाई ये क्या हो रहा है, मतलब भाई मैं इनको मार ही नहीं पा रहा हूँ। तभी सोचता हूँ भाई यहाँ से मुझे कल्टी मार लेनी चाहिए किसी बिल्डिंग पे। तो फिर यहाँ से चलते हैं भाई आगे वाली बिल्डिंग पे, और ये फेंका जाल बट्टी वो भाई थोड़ा ऊपर करते हैं, और ये फेंका जाल और सीधे गए इस बिल्डिंग के पास। बट इसके हमको ऊपर जाना है, तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो भाई फाइनली हम इन पुलिस वालों से बच चुके हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे ये कुछ नहीं कर सकते, तो लेकिन भाई आप कुछ तो कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है,